अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शाजिया फूडीज किचन। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं केएफसी स्टाइल चिकन फ्राई एक्स्ट्रा क्रंची एंड जूसी। अब आपको केएफसी स्टाइल चिकन फ्राई खाने के लिए रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप घर पर ही फटाफट से केएफसी स्टाइल चिकन फ्राई बनाकर तैयार कर सकती हैं बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यमी है। अगर आपको हमारी केएफसी स्टाइल चिकन फ्राई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केएफसी स्टाइल चिकन फ्राई बनाना। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल, और बाउल में हम डाल देते हैं चिकन। चिकन को आप पहले अच्छे से वॉश कर लें। यहाँ पर हमने लेग वाला इस पार्ट लिया है, आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं विनेगर, 500 ml के जितना इसमें हम ऐड करेंगे वाटर। चिकन को मैरिनेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप इसे जितना ज़्यादा मैरिनेट करने के लिए रख देंगे उतना ही ज़्यादा ये टेंडरिंग चिकन बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए वाटर को हमने इसमें डाल दिया है, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से हमें अच्छे से इसे चला चला कर मिक्स कर लेना है ताकि चिकन में हमारे मसाले वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए इस तरीके से आप चिकन को ओवरनाइट भी रख सकती हैं या 3 से 4 घंटे के लिए रख दें, जितना आपके पास वक्त है आप उसी तरीके से इसे रखें। आप इसे फौरन ही बना सकती हैं, 1 घंटे के लिए भी रख सकती हैं। तो यहाँ पर हम चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप लिया है मैदा, और इसमें हम ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून के जितना रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं वाइट पेपर, आप इसकी जगह पर ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, सिर्फ हमें इसे ड्राई रखना है और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पाउडर है तो आप इसमें ऐड कर दें, अगर नहीं है तो हम आपको आगे बताते हैं कैसे ऐड करना है। अब हम यहाँ पर ये देखिए दूसरा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 कप के जितना लिया है मैदा, और इसमें हम डाल देते हैं अब अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक एग। अगर आप एग को स्किप करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, और सभी चीज़ों को हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और अब हम इसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें ये क्लब सोडा। क्लब सोडा डालने से हमारा चिकन बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनकर तैयार होगा बहुत ही ज़्यादा इस टिप के साथ। तो ये देखिए, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमें इसमें डालना है ताकि इसमें लम्स बिल्कुल ना हो। ये देखिए इस तरीके से इसमें हम थोड़ा थोड़ा सोडा मिलाते जाएंगे। सोडा डालने से चिकन हमारा बहुत ही ज़्यादा जूसी बनता है और बहुत ही ज़्यादा क्रंची भी बनता है। तो आप वाटर की जगह पर सोडा ऐड करें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें वाटर को ऐड कर सकती हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें हम डालेंगे क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा थिक है। हम आपको बताएंगे कि इसकी कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है। थोड़ा सा इसमें हम और ऐड कर देते हैं, अभी ये हमें बहुत ज़्यादा थिक लग रहा था तो इसमें हमने थोड़ा सा और ऐड किया है, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बस हमें इतनी ही रखनी, बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखना है हमें। ये देखिए, और यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है, आप देख सकती हैं चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, और इसे हम एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें एक बार इसे फिर से मिक्स कर लेना है, और आप इस तरीके से एक स्पून लीजिए ताकि पानी बिल्कुल भी ना आए, और इसमें हम ये
देखिए थोड़े थोड़े पीस इसमें हम डालते जाएंगे। पहले हम इसको गीले वाले में डालेंगे बैटर में, फिर बाद में हम इसके सूखे वाले बैटर में इसमें डालेंगे। आप चिकन को इसमें डालकर भी रख सकती हैं, और जब आपका दिल करे आप इसे फ्राई करके खाएं। और अब हम इसको पहले एक हाथ से गीले हाथ में डालेंगे और दूसरे हाथ को हम इस तरीके से, ये देखिए आपको दबा दबा कर इसमें मैदे को ऑब्जर्व करना है। ये देखिए इस तरीके से, तभी आपकी बहुत अच्छे से इसमें स्टिप्स आएंगी। ये देखिए इस तरीके से आपको इसे दबाकर मैदे को इसमें कोट करना है। गीला वाला हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको दूसरे हाथ से ये काम करना है। ये देखिए इस तरीके से, और उलट पलट कर इसे अच्छे से मैदे में कोट करें। ये देखिए एक पीस हमारा बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकती हैं। और अब हम इसी तरीके से दूसरा पीस भी कर लेंगे। तो पहले हमने वेट वाले में डाला है बैटर में, और अब हम ड्राई वाले में डाल देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और इसे हाथों से बहुत अच्छी तरीके से इसे हमें दबा दबा कर कोट करना है। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हम बाकी के तैयार कर लेते हैं। गैस पर हमने ऑयल चढ़ा दिया है, और ऑयल को हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर हमारे सभी पीस बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये लास्ट पीस है हमारा। और अब हम इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। तो ऑयल को हम सबसे पहले चेक कर लेंगे। आप इस जगह पर इसको फ्रिज में रख सकती हैं, और आपका जब मन करे आप इसे खाएं। ये देखिए हम यहाँ पर एक स्क्वेयर्स डाल रहे हैं, वुडन स्क्वेयर्स डाला है हमने। जब अगल बगल इसके बबल्स आने लगे तो आपका ऑयल इतना ही हमें हीट चाहिए। और अब हम एक एक करके इनको इसमें डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। इस तरीके से गैस की फ्लेम को आप मीडियम रखें, और एकदम से इसे नहीं चलाएं। 2 से 3 मिनट के बाद इसे पलट दें, और उलट पलट कर आप इसे अच्छे से फ्राई करें। ये देखिए इसे उलट पलट कर हमें अच्छे से फ्राई करना है, आप देख सकती हैं इस तरीके से। चिकन खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। आपका जब मन करे तो आप इस चिकन को घर पर जरूर बनाएं। ये आपकी फैमिली में सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। ये देखिए इसको फ्राई होने में तकरीबन 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है। गैस की फ्लेम को हम इसमें मीडियम रखेंगे ताकि चिकन हमारा अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें, गोल्डन ब्राउन। और अब हम इसे निकाल लेते हैं, और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और ऑयल को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इसके बाद हम, जब ऑयल हमारा अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमारा ठंडा हो चुका था, और अब हम इसे फिर से दूसरे वाले जो बाकी के बचे हुए हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। एकदम से आप गरम गरम ऑयल में बिल्कुल भी नहीं डालें, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए ऑयल दोबारा जब डालें तो ऑयल को ठंडा कर दें, जब भी दूसरे वाले आप फ्राई करें। देखिए इस तरीके से इन्हें भी हम पलट देते हैं, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हमें चिकन को फ्राई करना है। तो चिकन में हमारा कलर आना शुरू हो चुका है, आप देख सकती हैं। चिकन फ्राई हो चुका है, इसे हम अब निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, जिस तरीके का हमें चाहिए, गोल्डन ब्राउन, आप देख सकती हैं। चिकन को आप मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें, एकदम से हाई फ्लेम पर ना करें, नहीं तो आपका चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और अब हम चिकन को निकाल लेते हैं। ये देखिए
चिकन हमारा यहाँ पर फ्राई हो चुका है। अब हम एक फटाफट से डिप बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं तकरीबन हाफ कप के जितनी मेयोनीज और 2 टेबल स्पून के जितना हम इसमें ऐड करेंगे केचप। और यहाँ पर हम ले रहे हैं शेजवान चटनी। शेजवान चटनी का हमने वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून के जितना हम इसमें शेजवान चटनी डालेंगे और इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं। ये फटाफट से ये हम आपको डिप बनाकर दिखा रहे हैं। इसके साथ ये हमारा चिकन फ्राई बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर हमने बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में हमें बास्केट मिलती है, उसी तरीके से हमने ये बनाकर तैयार की है। और अब हम इसमें अपने चिकन के पीसेस रख देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, आप देख सकती हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा हमने इसे सर्व किया है। चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आपने देखा कितने कम वक्त में हमने यहाँ पर KFC स्टाइल चिकन फ्राई बनाकर तैयार किया है। अब आपको KFC स्टाइल चिकन फ्राई खाने के लिए रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही झटपट से ये चिकन बनाकर तैयार कर सकती हैं। आपके घर में ये सभी को बेहद पसंद आने वाला है। आप इसे एक बार बनाएंगे, आपके घर वाले इसे बार बार बनवाएंगे, क्योंकि ये चिकन है ही इतना ज़्यादा टेस्टी। अगर आपको हमारी KFC स्टाइल चिकन फ्राई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर पर देखने को मिलेगी, वो भी फ्री में। इसी तरीके से आपसे हम फिर मिलेंगे न्यू रेसिपीज के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।